तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि बी फार्म करने के बाद हमें एम फार्म करना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च ये कोर्स करना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हमेशा से रहा है। सो जिन भी स्टूडेंट को बी फार्म के बाद क्लिनिकल रिसर्च में ही आना है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च ये ही कोर्स करना चाहिए। पर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं, बी फार्म करने के बाद मुझे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कोर रिसर्च या फिर ड्रग डेवलपमेंट में आना है, उन बच्चों ने एम फार्म करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर एम फार्म करते हो तो ही क्लिनिकल रिसर्च में आपको स्कोप रहेगा। नहीं, आप बी फार्म करके अगर PGDCR ये कोर्स करते हो और आपको इन डेप्थ नॉलेज रहता है क्लिनिकल रिसर्च का, तो आप इसमें एंट्री एंड ग्रो भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के ज़रिए आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। इसमें आपकी खुद की क्या राय है या आपने अपनी क्या सोच बनाई है, आप अपना कमेंट करके बता सकते हो।